top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. की सरकार ने, केजरीवाल के विधायकों ने, केजरीवाल के मंत्री ने दिल्ली की जनता के साथ जिस प्रकार का ये धोखा किया है, दिल्ली की जनता के साथ जिस प्रकार की अराजकता दिल्ली के अंदर फैल रही है, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार की नैतिकता का पाठ उन्होंने लोगों को पढ़ाया था और उसको खत्म करने के लिए लगातार रोज नई कुछ न कुछ ऐसी अनैतिकता का उदाहरण, ऐसी अराजकता का उदाहरण जो दिल्ली ने कभी देखा नहीं, देश ने कभी देखा नहीं, हमारी दिल्ली के लोगों को इस तरह की संस्कृति कभी देखी नहीं। निश्चित रूप से आज दिल्ली में जिस प्रकार का शासन है, जिस प्रकार का प्रशासन है, दिल्ली में जो सरकार होनी चाहिए थी, लोगों के काम होने चाहिए थे, लोगों को रियायत मिलनी चाहिए थी, लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए थी, दिल्ली में वाईफाई फ्री होना चाहिए था, लोगों को पानी मिलना चाहिए था, लोगों को बिजली मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बदले में लोगों को मिल क्या रहा है? मिल रहा है किसानों के नाम पर राजनीति करने के लिए। आपके मुख्यमंत्री के सामने, आपके पूरे मंत्रिमंडल के सामने किसी एक आम आदमी की हत्या हो जाती है, जिसको आप सब लोगों ने मिलकर के हत्या कराने के लिए प्रेरित किया, आप मूक दर्शक बन के स्टेज पर बैठे रहे, हत्या होती रही, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप केवल घड़ियाली आंसू बहाते। आपके एमएलए जरनैल सिंह ने जिस तरीके से, क्या दिल्ली के अंदर हर सरकारी कर्मचारी बेईमान है? क्या दिल्ली के अंदर हर पुलिस वाला बेईमान है? क्या दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का कर्मचारी बेईमान है? क्या दिल्ली के अंदर एमसीडी में काम करने वाले लोग बेईमान है? क्या दिल्ली की आम जनता बेईमान है? ये क्या सकूफा आपने छेड़ा है कि आप लगातार कहते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन करके लाइए? अरे आपको किस स्टिंग ऑपरेशन की जरूरत है? आपके एमएलए के खिलाफ एफआईआर होती है, आपके एमएलए के खिलाफ गुंडागर्दी का मुकदमा दर्ज होता है, आपके एमएलए के खिलाफ जिस तरह के मामले दर्ज होते हैं और आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। आप दिल्ली के लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आपके एमएलए के खिलाफ दिल्ली के अंदर पिछले 3 महीने से जो सरकार बैठी है उसके खिलाफ एक आंदोलन, एक अलग जगाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि एक पार्टी जिसने दिल्ली के अंदर ये कहकर वोट लिए कि हम तो बहुत सेफ हैं जी, हमारी तो औकात ही बहुत कुछ नहीं है जी, आज उनको पता लग रहा है हमको कि उनकी औकात कितनी है, जो नकली काम कर सकते हैं, जो फर्जी डिग्रियां इकट्ठी करके अपने शपथ पत्र में भर सकते हैं, जो संविधान का खुल्ला मजाक उड़ा सकते हैं, ऐसे लोग दिल्ली के अंदर सरकार के अंदर आ गए। पिछले 49 दिन की सरकार के अंदर इनके हर मंत्री ने माफी मांगी थी और अभी 3 महीने की सरकार के अंदर इनका मुख्यमंत्री माफी मांग चुका है, इनका दिल्ली का जो संयोजक है वो माफी मांग चुका है, टीवी के ऊपर रो चुका है। हम उनको माफ नहीं कर सकते, क्योंकि माफी नहीं अब इस्तीफा चाहिए, माफी नहीं अब बर्खास्तगी चाहिए, माफी नहीं अब गिरफ्तारी चाहिए। उनके 4-4, 5-5 विधायक जो दारू शराब बेच करके, शराब इकट्ठी करके चुनाव लड़ते हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उनका एक विधायक जो खुलेआम सरकारी कर्मचारियों पर हाथ उठाता है उसका गिरफ्तार नहीं किया गया। उनका एक मंत्री जो कानून की रक्षा की, जिसने शपथ ली, जिसने कहा मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, और उसने कानून मंत्री बनकर कानून की धज्जियां उड़ा दी। जितेंद्र तोमर जो कहते हैं अपने प्रदेश कॉन्फ्रेंस के अंदर कि मैं पार्टी के लिए तो जान दे सकता हूं, अरे आज देश देख रहा है, आज दिल्ली देख रही है, आज ये केजरीवाल को सब देख रहे हैं, उनकी सरकार को सब देख रहे हैं, उनके मंत्रियों को सब देख रहे हैं, किस प्रकार से उनके एक मंत्री ने एक छोटे से बच्चे की बोल लगने के ऊपर बवाल किया था, किस प्रकार से उनके मंत्री ने जो पहले कानून मंत्री था उसने वहां पे गुंडागर्दी कर दी और फिर इनकी सरकार यहाँ छोड़कर भागी थी, किस प्रकार केजरीवाल ने कहा था कि मैं 26 जनवरी को निकलने नहीं दूंगा, आज वो लोग दिल्ली के अंदर शासन कर रहे हैं। ऐसे अराजक लोगों के खिलाफ आज ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कर रही है।